हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं तेरी ही। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैं थोड़ी ज़्यादा बिजी थी। तो आज हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र। वैसे हमारा अयोध्या का प्लान है, तब सबसे पहले हम गए कुरुक्षेत्र। अयोध्या जी, राम मंदिर जाना हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, पर वहाँ पे जाने में थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज थोड़ा ज़्यादा दूर था और हम रोड से ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए हमें 3 से 4 दिन लग गए थे अयोध्या जी पहुँचने में। तो हम अयोध्या जी जाने से पहले हम पहले कुरुक्षेत्र गए, वहाँ पे हमने एक दिन स्टे किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम हरिद्वार चले गए, और ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह है, तो जो आप सारे ब्लॉग्स में देखोगे। हम पहुंच के कुरुक्षेत्र, यहाँ से होटल से हमारा जो स्नान घाट था वहाँ थोड़ा डिस्टेंस था, वहाँ पे चल के जाना। कुरुक्षेत्र देखने वाली जगह है, वहाँ पे गीता का सार मिला था, तो मतलब वहाँ पे बहुत सारा कुछ बना हुआ है जो मतलब वहाँ पे देख सकता है, घूमने लायक अच्छी सी जगह है। मैं पहले भी काफ़ी बार होके आई हूँ, बट अच्छा था। वहाँ पे थोड़ा चलने के बाद इतनी सारी धूप में, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, बट वेदर थोड़ा सा हॉट था एज़ कम्पेयर टू जम्मू, वहाँ पे बड़ी सारी थोड़ी सी गर्मी थी। और फिर चलने के बाद हम पहुँच के स्नान घाट, तो फिर हमने वहाँ पे स्नान किया, उसके बाद हमने दर्शन किए मंदिर तक। महादेव जी के मंदिर देखने के बाद हम चले गए अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ को देखने, उसके बाद हम गए बाबा श्याम के मंदिर में, फिर द्रौपदी का प्राचीन कुंड देखा। उसके बाद हम गए ठाकुर जी का जो भी सहयोग था महाभारत के युद्ध में, उसकी लीलाएं देखने।
हम गए वैष्णो देवी गुफा को देखने, जो वहाँ पे बनाई गई थी वो भी बहुत सुंदर थी, वहाँ पे भी बहुत कुछ था। और जितना मैं रिकॉर्ड कर सकती मैंने किया, और आगे ब्लॉग में वही आपको दिखेगा। मैं बालक तू माता शेरावाली है, टूटिए माता शेरावाली, शेरावाली तो कुरुक्षेत्र में हमने इतनी देर रुका, और उसके बाद हम चले गए हरिद्वार के लिए, और उसका ब्लॉग नेक्स्ट आएगा। सो मज़ा आया कुरुक्षेत्र में, और भी जगह हम गए थे बट वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी तो मैं नहीं बना पाई, बट आप मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना और उसके आगे वाले भी। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में।